आज आपका प्रोटेस्ट क्यों किया जा रहा है? आज सीधे तौर पर पूछे, देखिए भाजपा पूरी तरह से चंडीगढ़ को संभालने में फेल हो चुकी है और इसी उपलक्ष में आज यहाँ पर हमने धरना रखा है। चाहे आप देखिए टैक्स की करों की भरमार लगा दी गई है, सफाई व्यवस्था की देखिए आप बात, आप बाकी सभी जगह पर देखिए लोगों का पूरी तरह से शोषण हो रहा है और नगर निगम जो है शहर को संभाल नहीं पा रही है। हमारे एजेंडाज को ये रोका जाता है कहकर कि बजट नहीं है, जो लोगों का टैक्स का पैसा उसे सिर्फ तनख्वाहें दी जा रही है, खाना पूर्ति की जा रही है, तो बीजेपी का पूरी तरह से फेलियर है। और हम चाहते हैं कि लोग कांग्रेस को एज अ विकल्प चूज़ करें और नगर निगम फिर से एक बार कांग्रेस के हाथ में आए। ये भागदौड़ आएगी तो हम शहर की ब्यूटी के लिए, शहर की बढ़ोतरी के लिए और जो ये बजट का फाइनेंशियल क्रंच लेके आया है इससे हम नगर निगम को उबारेंगे, शहर का रुतबे को एक बार फिर से बहाल करें। मेन किन किन मुद्दों पे आप घेर रहे हैं, मतलब किन किन मुद्दों पे विफल हुई है भाजपा सरकार यहाँ पे अगर बात करें? मुद्दे आप देख लीजिए, ए टू जेड मुद्दे की बात कर लीजिए आप। यहाँ पर नगर निगम की तरफ से जो है लोगों के पानी के रेट जो है इतने ज़्यादा बढ़ाए गए, जो 400 करोड़ का कर्ज है वो लोगों की जेबों से ही डाल दिया जाएगा। अगर इन्होंने पानी के रेट वापस लेने थे तो क्यों मार्च तक ही इस पर रोक लगाई, क्यों नहीं पूरी तरह से वापस लिए अगर ये लोगों के हितैषी हैं? और ये पानी के बिलों की बात करते हैं, सीवरेज सेस की बात करते हैं, मनगढ़ंत ढंग से ये जो है टैक्स पे टैक्स लगा रहे हैं। काउ सेस की बात करें आप देखिए, कैटल कैचिंग के लिए फिर भी गाय ऐसे ही घूम रही हैं। ये नगर निगम जो है अपनी व्यवस्था जो है ठीक तरह से नहीं कर पाई, पूरी तरह से सब व्यवस्था चरमरा गई है और इसलिए आज कांग्रेस पार्टी सड़कों पर है और शहर के पास लोगों के पास एक विकल्प है। कांग्रेस ने पहले भी करके दिखाया है, आज ये हर छोटे छोटे काम को कहते हैं कि हमारे पास बजट नहीं है, बजट नहीं है। आप शहर के कर्ब चैनल से देखिए, ये तो सिर्फ नदरन एरिया में हम खड़े हैं ना, आप साधरन की तरफ चले जाइए, लगातार मीडिया ही बता रही है, जगह जगह सफाई की जो व्यवस्था है वो चरमरा चुकी है। आप देखिए टूटे हुए झूले हैं, आप देखिए कि अगर रोड की जो कर्ब चैनल्स हैं वो पूरी तरह से टूट चुके हैं, कहीं कहीं रोड के गड्ढे जो हैं वो लगातार लोग बता रहे हैं। ये सारा जो काम नगर निगम ने करना था आज की डेट में ये सब करने में वो फेलियर है और 5 साल में उन्होंने कुछ नहीं किया शहर के लिए और इसी के रोष में आज हमने यहाँ पर धरना लगाया। गार्बेज कलेक्शन के रेट हैं, कोविड सेस लगा दिया, किसी एक आदमी को भी कोविड सेस के नाम पे कोई 5 रुपए की किसी को मदद नहीं दी। एक्साइज टैक्स लगा दिया, एंटरटेनमेंट टैक्स लगा दिया, हर चीज़ पे टैक्स, और उसके बावजूद भी नगर निगम कंगाल है। आज सैलरी देने के लिए पैसे नहीं है, 2-2 महीने की सैलरी नहीं दी जा रही। जब हमारा मेयर था लास्ट में 2015 में, हम 500 करोड़ रुपए के अभी छोड़ के गए थे, आज 550 करोड़ का लोन लिया गया है पानी की सप्लाई कर देने के लिए। मुझे समझ नहीं आता है पैसे गए कहाँ, शहर में तो कोई काम नहीं नज़र आ रहा, शहर में खड्डे पड़े हुए हैं, पार्कों की हालत खराब है, झूले टूटे पड़े हैं, ऐसी सड़कें देश के इतिहास में 40 साल में चंडीगढ़ ने कभी नहीं देखी। आज लोग कहते हैं कि सड़कें हैं या गड्ढे हैं, कुछ पता नहीं लग रहा। इन सब के खिलाफ हम आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उसी तरफ जो कर्मचारियों का शोषण किया जा रहा है, जेम पोर्टल है, जेम पोर्टल के नाम पर हर एम्प्लॉई से 1 महीने की तनख्वाह अंडरहैंड ली जा रही है, सफाई कर्मचारियों की भर्ती में पैसे खाए जा रहे हैं, ड्राइवरों की भर्ती में पैसे खाए जा रहे हैं, डंपिंग ग्राउंड की बुरी हालत करके रख दी है। आज प्रोटेस्ट किया जा रहा है, कांग्रेस के कई कार्यकर्ता यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, तो किन किन मुद्दों को आप एमसी के अगर फिर चुनाव भी पास आ गए हैं तो किन किन मुद्दों पे कांग्रेस समझती है कि नाकाम हुई है भाजपा सरकार यहाँ पे? देखिए पिछले 5 सालों से लगातार कांग्रेस जो है वो सड़क के ऊपर जनता की आवाज़ बन के हर इनकी जन विरोधी नीति को हम लोग उसका पूरा बहिष्कार करते हैं। आज इलेक्शंस के पास आ रहे हैं उसके लिए कांग्रेस आज सड़क के ऊपर नहीं है। सड़क के ऊपर तो कांग्रेस पिछले 5 सालों से थी, जब इलेक्शन का नामो निशान नहीं था, रो रहे थे, पीट रहे थे, सियापे कर रहे थे कि भाई सुनो, आंखें खोलो, तुम काउंसलर बन के आए हो, कुछ करो, जनता के लिए जन विरोधी नीतियों को मत अपनाओ। लेकिन इन्होंने वो नहीं किया, इन्होंने हर जनता विरोधी नीति अपनाई, लोगों के ऊपर टैक्सों की भरमार हुई हुई है। रोड गलीज को ले लो, रोडों सड़कों को ले लो, घर के कचरों को ले लो, घर के पास कूड़े इकट्ठे हुए हुए हैं और काउंसलर जो हैं वो अपनी गद्दी संभाल के बैठे हुए हैं। शर्म आती है ये कहते हुए, अगर काउंसलर का काम इनको पता ही नहीं है कि क्या काउंसलर का काम था तो किस लिए काउंसलर की सीट पर बैठे। जनता आने वाले समय में 2 महीनों में इनसे जवाब मांगेगी और इनको मुंह की खानी पड़ेगी। कार्य की हम बात करें, सबसे ज़्यादा काउंसलर अभी भाजपा के पास हैं, अब इलेक्शन दोबारा आएंगे तो क्या लगता है कि रिस्पॉन्स बहुत उल्टा मिलने वाला है कि पहले लोगों ने जितनी उम्मीद थी वो पूरी नहीं कर पाई भाजपा सरकार? देखिए
जनता की जो उम्मीद है वो आपको उसका रिजल्ट पंजाब में इनका जो कॉर्पोरेशन के इलेक्शन हुए उनमें मिल गया, वही रिजल्ट इनका यहाँ मिलने में था। मैं मुँह से ये कहूँ कि जी इनका ये हो मैं वो नहीं कहना चाहती, लेकिन मैं ये जरूर कहूँगी जो आप अपना कर्म करके जा रहे हो फल तो वैसा ही मिलेगा और इनको वही फल मिलने वाला है। शुक्रिया।